लखीमपुर खीरी कांड पर गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र के इस्तीफे की मांग तेज, आज भी दोनों सदनों में हंगामे के आसार। इट इज ऑब्वियसली कंस्पिरेसी, एवरीबॉडी नोज हु इज इन्वॉल्वड, एवरीबॉडी हु नोज हु सन इज इन्वॉल्वड, एवरीबॉडी नोज हु वाज देयर व्हेन दिस फार्मर्स वर किल्ड। द जेंटलमैन इज अ मिनिस्टर, वी वांट द मिनिस्टर टू रिजाइन, वी वांट अ डिस्कशन इन द पार्लियामेंट। अजय मिश्र के इस्तीफे की मांग को सरकार ने किया खारिज, पीयूष गोयल ने कहा मामला अदालत में विचाराधीन। बेटे के खिलाफ साजिश के तहत हत्या के केस के सवाल पर भड़के अजय मिश्र, पत्रकारों के साथ बदसलूकी। लखीमपुर कांड को लेकर अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर साधा निशाना, बोले देखते हैं लखीमपुर खीरी पर कब चलता है बुलडोजर। चित्रकूट के हिंदू एकता कुंभ में उठा मथुरा मंदिर का मसला, जगत गुरु रामभद्राचार्य ने की कॉमन सिविल कोर्ट की भी मांग। चित्रकूट में हिंदू एकता कुंभ में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने दिया एकता की ताकत का मंत्र। मजबूरी में लोग एक हो जाते हैं, लेकिन मजबूरी समाप्त होने के बाद एकता भी समाप्त होती है, और एक होते समय अहंकार को छोड़ा नहीं तो एकता टूट जाती है। हिंदू एकता महाकुंभ में पहुंचे लेखक गीतकार मनोज मुंतशिर, देश के मौजूदा मुद्दों पर रखी अपनी राय। चित्रकूट में दिखी हंगामे की स्थिति, खाने के पैकेट को लेकर आपस में भिड़े एनसीसी कैडेट्स और सिक्योरिटी एजेंसी के जवान। यूपी में विपक्ष ने की योगी सरकार की घेराबंदी, गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी बर्खास्तगी की मांग को लेकर कांग्रेस विधायकों का प्रदर्शन। यूपी चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने तेज किया अभियान, नोएडा में मनीष सिसोदिया बोले सरकार बनी तो 34 लाख बेरोजगारों को देंगे नौकरी। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में आम आदमी पार्टी ने शुरू किया सदस्यता अभियान, हरियाणा में चुनाव लड़ने की तैयारी। देहरादून में रक्षा मंत्री ने किया सैन्य धाम का शिलान्यास, पाकिस्तान को दिया कड़ा संदेश। अलीगढ़ के एएमयू में छात्रों पर लाठीचार्ज के खिलाफ कैंडल मार्च, सीएए एनआरसी का विरोध कर रहे छात्रों पर चली थी लाठियां। पंजाब में केजरीवाल के चुनावी दौरे का आज दूसरा दिन, लांबी में जनसभा, कल जलंधर में निकाली तिरंगा यात्रा। अरविंद केजरीवाल ने जलंधर से किए दो वादे, कहा सरकार बनते ही स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी और इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाएंगे। बीजेपी शासित राज्य के 8 मुख्यमंत्रियों के साथ अयोध्या पहुंचे पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा, रामलला के किए दर्शन। अयोध्या में सरयू नदी के तट पर आयोजित की गई सूक्ष्म आरती, जेपी नड्डा के साथ सभी मुख्यमंत्री शामिल। यूपी के चुनावी घमासान में अखिलेश यादव का बड़ा दांव, टिकैत को दिया साथ चुनाव लड़ने का न्योता, बोले समाजवादी पार्टी में स्वागत है। यूपी विधानसभा सत्र के पहले दिन विपक्ष ने सरकार को महंगाई पर घेरा, गन्ना और सिलेंडर के साथ विपक्ष का विरोध प्रदर्शन। जौनपुर में अखिलेश यादव की विजय यात्रा का दूसरा दिन, रैली में उमड़ा लोगों का हुजूम। लखनऊ में सीएम योगी विधानमंडल दल की बैठक में हुए शामिल, दोनों डिप्टी सीएम भी थे मौजूद। राजस्थान के धौलपुर में बीजेपी ने निकाली जन आक्रोश रैली, महिला उत्पीड़न सहित कई मुद्दों पर गहलोत सरकार को घेरा। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू मंच के मुखिया प्रवीण तोगड़िया ने मोदी सरकार पर साधा निशाना, कहा कई दिन भूखे को खाना चाहिए चॉकलेट नहीं, काशी कॉरिडोर चॉकलेट है। पाकिस्तान पर 1971 की फतेह के 50 साल के मौके पर आज देश में जश्न, शहीद वीर सपूतों को वॉर मेमोरियल पर पीएम देंगे श्रद्धांजलि। 1971 की जीत पर जश्न की सियासी होड़, मोदी सरकार करेगी शहीदों का सम्मान। शहीदों के जरिए इंदिरा गांधी के गुणगान की तैयारी में कांग्रेस। आज उत्तराखंड जाएंगे राहुल गांधी, देहरादून में 1971 की जंग के हीरो पूर्व फौजियों को करेंगे संबोधित। आज किसानों को संबोधित करेंगे पीएम, प्राकृतिक खेती पर ऑनलाइन संबोधन। घर लौटने पर किसान नेता राकेश टिकैत मुजफ्फरनगर के सौरम गांव में भव्य स्वागत के साथ पहुंचे, जन्मदिन पर टिकैत ने काटा केक। अपने गांव पहुंचने पर राकेश टिकैत ने एक बार फिर भरी हुंकार, कहा जंग के लिए रहना होगा तैयार, नहीं बिकने देंगे देश की जमीन। गाजीपुर बॉर्डर छोड़ते वक्त राकेश टिकैत ने अपनी झोपड़ी पर मत्था टेका, कहा याद के तौर पर ले जाएंगे साथ। किसानों की घर वापसी के बाद गाजीपुर बॉर्डर में हटाए गए बैरिकेड्स, शुरू हुई गाड़ियों की आवाजाही। सिंघू बॉर्डर से घर लौटे आंदोलनकारी किसान, गाड़ियों की आवाजाही के लिए खोल दी गई सड़क। देशभर में 73 पर पहुंचा ओमिक्रॉन वेरिएंट के मरीजों का आंकड़ा, महाराष्ट्र में फिर सामने आए 4 नए मामले।
पश्चिम बंगाल में ओमिक्रॉन वेरिएंट का एक मामला सामने आने के बाद हड़कंप, मुर्शिदाबाद में हुई पुष्टि। पश्चिम बंगाल में ओमिक्रॉन के दस्तक के बीच पाबंदियों में छूट, 24 दिसंबर से 1 जनवरी तक नहीं होगा नाइट कर्फ्यू। तेलंगाना में भी 2 मरीजों की पुष्टि, हैदराबाद में सोमालिया से आए एक शख्स में मिला कोरोना का नया वेरिएंट। देश में 135 करोड़ के आंकड़े पर पहुंची वैक्सीनेशन की डोज, एक दिन में लगे 53 लाख टीके। मुंबई में बढ़ी ओमिक्रॉन के खतरे की पाबंदियां, 31 दिसंबर तक धारा 144 लागू, बिना काम और बिना मास्क बाहर निकलने पर कार्रवाई। दिल्ली में बढ़ते ओमिक्रॉन मामले पर सरकार सतर्क, रामलीला मैदान को बनाया हाईटेक 500 बेड वाला अस्पताल। पटना में ओमिक्रॉन से लड़ने की तैयारियां तेज, पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 112 बेड का केयर सेंटर तैयार। ओमिक्रॉन के खतरे के बीच थाने में खुल गए स्कूल, कोरोना नियमों के साथ बजी स्कूल की घंटी। केरल में ओमिक्रॉन के 4 नए मामले, 30 की रिपोर्ट का इंतजार। दिल्ली के सरिता विहार में 16 साल की लड़की की खून से लथपथ लाश मिली, पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार। पटना में एक ट्रक ड्राइवर को बदमाशों ने किया अगवा, पुलिस ने फिल्मी स्टाइल में बदमाशों को दबोचा। पटना सिटी के अगमकुआ में दिन दहाड़े घर का ताला तोड़कर लाखों की चोरी, पुलिस को अब चोरों की तलाश। महाराष्ट्र के बारामती में एक पति निकला दरिंदा, पत्नी का दोस्तों के साथ किया गैंग रेप, पुलिस ने 5 को किया गिरफ्तार। आगरा में एक महिला ने दारोगा पर लगाए यौन शोषण के आरोप, एसपी से की शिकायत। गोरखपुर में 36 साल से फर्जी नाम से नौकरी कर रहा शख्स धरा गया, डीएम ने की निलंबन की सिफारिश। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में कोरोना के टीके का फर्जी सर्टिफिकेट देने वाला गिरोह चढ़ा हत्थे, 4 गिरफ्तार। झारखंड के पाकुड़ में जमीन विवाद में महिला को बम से उड़ाया, पति और बच्चे जख्मी, पुलिस कर रही है कार्रवाई। जालौर के पुजारी हत्याकांड का पुलिस ने किया खुलासा, 3 आरोपी गिरफ्तार, चोरी के मकसद से की थी हत्या। बाड़मेर में एक गांव के सरपंच पर एक शख्स ने किया जानलेवा हमला, मामला आपसी रंजिश का। महोबा में बच्चों के मिड डे मील में भारी मिलावट, जांच बनी मजाक, प्रशासन खामोश। बिहार के सीतामढ़ी में 10वीं की छात्रा की गैंगरेप के बाद हत्या के 20 महीने बाद भी आरोपी आजाद, पुलिस हाथ पर हाथ डाले बैठी, इंसाफ के लिए दर दर भटक रहे हैं माता पिता। समस्तीपुर पुलिस ने भगत हत्याकांड का किया खुलासा, अंधविश्वास के चक्कर में हुई थी हत्या, 3 गिरफ्तार। उज्जैन में फर्जी आई कार्ड के आधार पर महाकाल की भस्म आरती में मुस्लिम युवक की एंट्री, पुलिस ने किया गिरफ्तार। मेरठ में अवैध पिस्टल बनाने वाली फैक्ट्री का भांडाफोड़, मैगजीन और उपकरणों का जखीरा बरामद, 6 आरोपी गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के रीवा में सेना के जवान पर करोड़ों की धोखाधड़ी का आरोप, गर्लफ्रेंड के साथ दुबई भागने की थी तैयारी। बिहार में औरंगाबाद के डीएसपी रहे अनूप लाल के पटना स्थित आवास पर छापा, माइनिंग घोटाले में सरकार ने किया था निलंबित। आंध्र प्रदेश के पश्चिमी गोदावरी में बड़ा हादसा, 9 लोगों की मौत, बस में सवार थे 47 यात्री। गुजरात के दाहौद में गिराई गई पुरानी इमारत, विस्फोटक का इस्तेमाल। पानीपत में दिन दहाड़े गोलियां बरसाकर कंप्यूटर सेंटर के मालिक की हत्या, पुरानी रंजिश में वारदात को दिया अंजाम। चंदौली में बेकाबू कार नहर में गिरी, 4 की मौत। मेवात की झुग्गियों में लगी भीषण आग, 130 के करीब झुग्गियां जलकर राख। यूपी के गोंडा में सामने आई हैरान करने वाली तस्वीरें, अस्पताल में नशे में डांस करते दिखे डॉक्टर। बक्सर में अतिक्रमण पर पुलिस में पब्लिक हिंसक भिड़ंत, कई पुलिस वाले जख्मी। दिल्ली से गुवाहाटी के लिए इंडिगो की नई उड़ान, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दिखाई हरी झंडी। वनडे कप्तान पद से हटाए जाने के बाद सामने आए विराट कोहली, कहा मुझे पहले नहीं दी गई कोई जानकारी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले विराट कोहली, वनडे कप्तान बने रहने में मुझे नहीं थी कोई दिक्कत, सिर्फ T20 टीम की छोड़ी थी कमान। सौरभ गांगुली पर विराट का बयान, बोले T20 कप्तानी नहीं छोड़ने के लिए किसी ने नहीं किया मना। कोहली के बयान पर BCCI की सफाई, सूत्रों के मुताबिक क्रिकेट बोर्ड ने विराट के दावे को कहा गलत, दी गई थी वनडे कप्तान पद से हटाए जाने की जानकारी। भारतीय क्रिकेट में खींचतान पर खेल मंत्री अनुराग ठाकुर का बयान, खेल सबसे बड़ा और खेल से बड़ा कोई नहीं। क्रिसमस की छुट्टियों के बीच हिमाचल के कुफरी में उमड़ी सैलानियों की भीड़, कारोबारियों को अच्छी कमाई की उम्मीद। हैदराबाद की 26 साल की होनहार सईदा फलक एशियन कराटे चैंपियनशिप में करेगी देश की अगवानी, सईदा ने अब तक अपनी झोली में डाले हैं 22 से ज्यादा इंटरनेशनल खिताब।
मिस यूनिवर्स का खिताब जीतकर स्वदेश लौटी हरनाज कौर संधू, मुंबई एयरपोर्ट पर स्वागत। 64वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी प्रतियोगिता में सिंगल ट्रैप और डबल ट्रैप में श्रेयसी सिंह ने जीता गोल्ड। आगरा में एक होनहार बिटिया राजकुमारी को मिला सम्मान, पंक्चर बनाकर अपने घर का पालती है पेट। केरल के अलफूजा कोट्टायम में बर्ड फ्लू की दस्तक, सरकार ने उठाए एहतियाती कदम। राजस्थान में शुरू हुआ सर्दी का सितम, फतेहपुर में पारा लुढ़क कर पहुंचा 2.7 डिग्री। कुनूर हेलीकॉप्टर हादसे में जख्मी हुए ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह का निधन, बेंगलुरु में चल रहा था इलाज। भोपाल लाया जाएगा ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह का पार्थिव शरीर, 17 दिसंबर को होगा अंतिम संस्कार। वरुण सिंह के देवरिया स्थित पैतृक गांव में पसरा सन्नाटा, श्रद्धांजलि देने के लिए उमड़ा लोगों का हुजूम। पेट्रोल और डीजल पर टैक्स से केंद्र सरकार ने जुटाए 8,02,000 करोड़ रुपए, निर्मला सीतारमण ने संसद को दी जानकारी। इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों और आभूषण क्षेत्र में नवंबर में 30 अरब डॉलर का निर्यात, 23 अरब डॉलर का हुआ व्यापार घाटा। अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंचा नवंबर में भारत का व्यापार घाटा, सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 2 साल से लगातार घट रहा है एमएसएमई निर्यात। अब व्हाट्सएप पर मिलेगा वॉइस मैसेज रिव्यू फीचर, खुद सुनकर भेज सकेंगे संदेश। असम की स्पेशल चाय ने तोड़ा रिकॉर्ड, गुवाहाटी चाय नीलामी में 99,999 रुपए प्रति किलो में बिकी गोल्डन बटरफ्लाई चाय। पेरिस में तेज रफ्तार बेकाबू कार रेस्टोरेंट में घुसी, 1 की मौत, 20 की हालत गंभीर। यूक्रेन में संयुक्त सैन्य अभ्यास का फुटेज किया जारी, जवानों ने की एंटी टैंक ड्रिल। केंटकी में तूफान से तबाही की तस्वीरें आई सामने, मोम की फैक्ट्री में दिखा बर्बादी का मंजर। इटली में 5 से 11 साल के बच्चों को लग रहा है कोरोना का पहला टीका। 84 दिन धधकने के बाद शांत हुआ स्पेन के ला पाल्मा का ज्वालामुखी, वैज्ञानिकों ने जांच के लिए लावा का लिया सैंपल। अफ्रीका में कोरोना की चौथी लहर की शुरुआत, WHO ने ओमिक्रॉन वेरियंट को ठहराया जिम्मेदार। अमेरिका में 8 लाख के पार पहुंचा कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा, 2021 में 4,50,000 से ज्यादा लोगों की गई थी जान। कोरोना वैक्सीन नहीं लेने वाले कर्मचारियों को नौकरी से निकालने की तैयारी में जुटा गूगल, 18 जनवरी तक वैक्सीनेशन करवाना जरूरी। डेनमार्क के राजमहल में कोरोना की एंट्री, राजकुमारी मेरी कोरोना पॉजिटिव। भारतीय मूल की लीना नायर बनी फ्रांस की लग्जरी ग्रुप शनेल की ग्लोबल सीईओ, यूनिलीवर में महिला HR चीफ की निभा चुकी है जिम्मेदारी।